वो तो फ्रेंड्स, तो अभी है हम रोहतांग टॉप पे और हमारे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ शीतल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और सेफ होंगे अपने अपने घरों पे। तो एक छोटी सी क्लिप लेके आया हूँ अपनी पुरानी यादें स्पीति राइड की शेयर करूँ। तो ये छोटा सा वीडियो का क्लिप है स्पीति राइड का, जो की रहेगा हमारा रोहतांग टॉप से मनाली का। जो भी अमेजिंग व्यू है इसमें, वीडियो क्वालिटी तो आई होप कि इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगी, क्योंकि ये काफी 3 साल पुराना है। उस टाइम इतने अपग्रेड नहीं थे गियर्स जो भी थे हमारे वीडियो के। तो सपोर्ट करें, एंजॉय करें कुछ व्यूज को जो भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। और पूरी हम गाइडलाइन भी मैं दूंगा कैसे कैसे हमने स्पीति जो राइड हमने कैसे प्लान की थी, कितना बजट लगा, कहाँ कहाँ स्टे करा और कितना पेट्रोल आपका बाइक राइड के लिए लगता है, वो भी मैं शेयर करूंगा। तो जुड़े हमारे चैनल, और जिन भाई लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम नए नए कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी गाइडलाइन भी देते रहेंगे। और जुड़े फ्रॉड राइडर के साथ, चलते हैं वीडियो। वो तो फ्रेंड्स, तो अभी है हम रोहतांग टॉप पे और हमारे सराउंडिंग का ये व्यू, और सामने ये बोर्ड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO का ये बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड के ऊपर यहाँ से ले है फ्रेंड्स 450 किलोमीटर। तो ये सराउंडिंग का ये व्यू, आई होप आप भी एंजॉय कर रहे होंगे ये स्नोई माउंटेन्स रोहतांग टॉप के, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा। और निकलते हैं अभी, तो अभी निकल रहे हैं हम फ्रेंड्स मनाली की तरफ रोहतांग से, और कुछ अमेजिंग व्यूज आपके लिए। आई होप कि जैसा मैं फील कर रहा होंगे आप भी वैसा ही फील कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे इन व्यूज़ को। तो एंजॉय करते रहें और मैं फोकस करता हूँ रोड पे, मिलता रहूँगा आपसे बीच बीच में। तो लेट्स गो। तो अभी हम जा रहे हैं मनाली की तरफ, और जो लास्ट डे था हमारा था, पिछला दिन हम चले थे काजा से, तो हमने काफ़ी कवर किया है कल, अप्रॉक्स 150 के अराउंड हमने कवर करा है। जो लास्ट का हमारा जो पॉइंट था फ्रेंड्स, जो हमारा बातल से लेके रोहतांग टॉप तक, रोहतांग टॉप तो नहीं, रोहतांग टॉप से ही नीचे ही एक स्टॉप है छात्रू करके, वहाँ पे रुके थे रात को हम। और वो जो रोड की कंडीशन थी बिल्कुल एक्सट्रीम डेडली रोड, और कैसे हमने उसे कर दिया पता नहीं हमें भी कुछ भी। और रात को भगवान का शुक्र है कि हमें टेंट मिल गए, और काफ़ी टाइडी रहा ये सफ़र स्पीति राइड का। तो बट हमारा प्लान जिस हिसाब से था, सब कुछ उसी हिसाब से हुआ, बीच में बारिश भी हुई, बट सब कुछ भगवान की दुआ से अच्छा रहा। और अब हम पहुंचने ही वाले हैं मनाली, यहाँ से मनाली है अप्रॉक्स रोहतांग टॉप से था 50 किलोमीटर, और हमने लगभग 10 से 12 किलोमीटर कर दिया है, तो 40 किलोमीटर के अराउंड बचा है यहाँ से। तो चलते हैं नीचे और मिलेंगे थोड़ी देर बाद फिर आपसे। लेट्स गो एंजॉय द व्यूज़ फ्रेंड्स, सपोर्ट अस।
फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं मड़ी में, ये आप सामने देख सकते हैं। और अब यहाँ से अप्रॉक्स आधा ही बचा है नीचे में नाली के लिए, जो भी हमें ट्रैवल करना है। यहाँ पे थोड़ा टी वगैरह लेके हम आगे मूव करेंगे मड़ी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह का टाइम है, अभी 9 बजे हैं और काफ़ी रश हो चुका है जो नीचे से आ रहे हैं, जो मनाली से ऊपर रोहतांग की तरफ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है रोड पे और हमें निकलना होगा। जो नीचे चेक पोस्ट भी है वो हमारे लिए तो नहीं, बट जो नीचे से आ रहे हैं वहाँ काफ़ी जाम वगैरह लग जाता है वहाँ पे। तो जल्दी से जल्दी निकलेंगे हम यहाँ से और आप इंजॉय करते रहिए व्यूज़ को और सपोर्ट करें, लाइक करें। I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing. Go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up. फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने शुरू किया है यहाँ से, तो अभी हम थोड़ी ही दूर बचे हैं, थोड़ी ही दूरी पे है मनाली यहाँ से। तो अप्रॉक्स आई थिंक 10-12 किलोमीटर होगा यहाँ से, एग्जैक्ट तो मुझे भी पता नहीं है, बट काफ़ी थक चुके हैं और भूख भी काफ़ी लगी है। तो यहाँ पे मनाली में हम जाके ब्रेकफास्ट लेंगे पहले, तो यहाँ बस हम आधे घंटे में पहुँचेंगे। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 और ये मैंने इस जगह पर ब्लॉग इसलिए शुरू करा है क्योंकि ये एक स्पॉट है जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है और एक रोप भी है, एक रोप वे आप टिम्बल ट्रेन टाइप समझ सकते हैं, एक रोप वाला झूला जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट, एक छोटी सी पिकनिक इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ का जो व्यू है, जो व्यू ग्रीनरी है चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे, तो एक ग्रीनरी काफ़ी अच्छा ये स्पॉट है।
अगर आप मनाली आते हैं तो यहाँ आके एक एंजॉय कर सकते हैं। और ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये रोप वे भी बना हुआ है साइड में ये रोप वे। और ये यहाँ का जो व्यू है काफ़ी ही खूबसूरत है, और रश यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट रुके पड़े हैं। तो अगर आप मनाली आते हैं तो यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, होप आपको अच्छा लगा होगा, और शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट।